BMW X7 अब Hyundai का शोरूम में देख सकते हैं BMW लेके आए हम लोग। गाड़ी कौन सा गाड़ी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, ठीक है। बहुत खतरनाक इसका टोटल लॉस हो गया गाड़ी में। तो ये रहा टायर आ गया। टायर लेने से पहले आप लोग ये चेक कर लेना यहाँ पे सब अलग अलग है। तो देख लो भाई, मेरे टायर लगाने से पहले सब भी देखना पड़ता है क्या अगला जा रहा है। जैसे में एक्सीडेंट रोड में ज्यादातर हो रहा है कि अगला जा रहा है 50 में तो हम भी चाप जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं ये Hyundai Venue SX Turbo और इसका आज हम लोग जा रहे हैं पेड सर्विसिंग करने के लिए। और ये है भाई का, छोटा भाई का गाड़ी है तो हम लोग इसी का सर्विस करने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो पेड सर्विसिंग है और इसका जो चारों टायर है वो चारों टायर इसका चेंज होगा। और हम और जैब जा रहे हैं, निकल चुके हैं घर से और अभी समय हो चुका है 9:30 बजे। तो चलिए चलते हैं और अभी इससे पूछते हैं कि क्या क्या गाड़ी में काम है, क्या क्या गाड़ी में काम है। जैसे डोर चिकर चेंज होगा, हाँ, और आपका जनरल सर्विस है 10वां। अच्छा, मोबाइल एयर फिल्टर ये सब चेंज होगा, एक दो को नॉइज। और इसका सनरूफ है वो जो काम नहीं कर रहा, ये बटन है वन टैप में बैक नहीं होता। ये देखो नहीं हो रहा है, तो ये भी अभी प्रॉब्लम दिखाना है। और गाड़ी अभी चल चुकी है 1,03,314 किलोमीटर। चारों टायर इसका एज इट इज अभी मतलब चलने लायक है। अभी कुछ हमको लग रहा है 4,000-5,000 किलोमीटर आराम से चल जाएगा। इसका चारों टायर सोच सकते हो, 1,00,000 चला दिया फिर भी अभी तक चल ही रहा है। तो मेरा गाड़ी तो का टायर तो 65,000 में चेंज हो गया था, जबकि देखो इसमें अभी MRF के टायर है और मेरा ब्रिजस्टोन का टायर था। अब बताओ इस कितना इसमें मतलब कितना चला दिया गाड़ी, मानना पड़ेगा। लेकिन टायर का भी हालत दिखाएंगे अभी, और कौन सा टायर गाड़ी में इंस्टॉल होगा वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, और वहाँ जाके देखेंगे कि कौन सा टायर लगाएंगे। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं हम लोग Hyundai के सर्विस सेंटर, वहाँ गाड़ी में सर्विस करवा के उसके बाद टायर हम लोग चेंज करवाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और कितना खर्चा होगा पेड सर्विसिंग वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कितना क्या क्या चेंजेस हो रहा है कुछ मतलब गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं Hyundai सर्विस सेंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे मारुति का भी गाड़ी रखा हुआ है यार। यहाँ पे मारुति, होंडा, Hyundai सब गाड़ी रखा हुआ है। कहाँ घुसा है देख सकते हो, गाड़ी अंदर कर दी है। गाड़ी में भी क्या क्या प्रॉब्लम वो बताएगा अभी ना, तो प्रॉब्लम अभी बताएगा उसके बाद पता चलेगा क्या उनको लिखाएंगे अभी। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे गाड़ी वगैरह वॉश वगैरह होता है वहाँ पे। वो देखिए मेरा गाड़ी खड़ा है, यहाँ पे गाड़ी खड़ा है हम लोग का BMW X7। ये हम लोग गाड़ी अभी वॉश होने के लिए आया हुआ है। अब Hyundai का शोरूम में देख सकते हैं BMW लेके आए हम लोग, BMW X7। चलिए ज़्यादा हो गया। गाड़ी कौन सा गाड़ी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, ठीक है। बहुत खतरनाक इसका टोटल लॉस हो गया है गाड़ी में, और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा गाड़ी है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। तो गाइस देख सकते हैं इतना सारा चीज़ हम लोग का चेंज हो रहा है। टोटल बॉडी क्लीनर है, ये वॉशर है, विंडशील्ड वाला, ऑयल फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है। ये देखो Hyundai का अपना है, 5 लीटर का है। ब्रेक पैड सही है, ब्रेक तो सही है ना, नहीं खत्म हो गया बैग बचा हुआ अभी थोड़ा सा बचा है। तो देख सकते हो अगर गाड़ी से जो पुराना वाला इंजन ऑयल है वो निकालेगा, और ये जो सिस्टम देख रहे हो ना ये पूरा डब्बा में जाएगा, इसमें जो है इसी में इंजन ऑयल पुराना वाला जो डलेगा इसके अंदर, तो नया फिलअप होगा। सो गाइज फाइनली हम लोग का गाड़ी का काम कम्प्लीट हो चुका है और अब यहाँ से निकल रहे हैं, और अभी टाइम हो चुका है 3:30 बज गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पेड सर्विसिंग में कितना खर्चा आया इसका। तो इसका पेड सर्विसिंग में टोटल खर्चा आया है 5,886 रुपया। उसमें से 500 रुपया पहले से इसका पेमेंट किया हुआ था, वो डोर चेकर था सर ना, डोर चेकर वो पीछे वाला का, उसका पैसा पहले पेमेंट किया हुआ था, वही लगभग 6,500 के आसपास खर्चा हुआ इसका गाड़ी में। अभी हम लोग जा रहे हैं जो आपको जैसे बताए थे स्टार्टिंग में कि इसका चारों टायर चेंज करना है, और कौन सा टायर लगाएंगे ये तो अभी टायर का शोरूम जा रहे हैं, वहीं आपको दिखाएंगे कौन सा टायर इसमें लगा रहे हैं Venue में। तो हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग को टायर चेंज करना है MRF, और ये जगह का नाम शायद क्या नाम बोलते हैं इसको, नाम भुला जा रहे हैं, कृष्णा टायर दुकान का नाम है MRF, और ये हम लोग का दोस्त का ही दुकान है, बाहर में खड़ा है वो। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा MRF का टायर हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो गाड़ी अभी हम लोग लगा दिए हैं, और अभी टायर दो टायर अवेलेबल है, जो टायर हम लोग को लगाना है वो दो ही पीस है अभी, और दो पीस अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बोल रहा है कि कुछ देर वेट करना होगा फिर देखते हैं। अभी टायर का हालत आपको दिखा दे रहे हैं, ये स्टेपनी है देखो, ये छोटा है, ये 15 इंच करीम लगा हुआ है,
उधर 16 इंच का है। ये रहा जो टायर लगा हुआ है पंचर वाला और स्टेपनी जो दिखाएं, ये 16 इंच का टायर है। ये टायर वो 16 इंच का है कि 15 इंच का है? सब 16 है बाकी 15। टायर की हालत भी दिखाएंगे अभी। गंजा टायर देखो, गंजा टायर ये रहा, एकदम पूरा प्लेन हो चुका है। आगे का दोनों टायर इसका ख़त्म है पूरा, पीछे वाला तो थोड़ा बहुत है भी ग्रिप, लेकिन आगे वाला सारा डैमेज है पूरा एकदम। अरे को पंचर हो गया, वो तो कल ही पंचर हुआ है, उसको चटनी लगा दिया है। MRF में दो इस जो 16 इंच में आपको दिखा रहे हैं, ये एक मॉडल है जो प्रीमियम सेगमेंट में, जैसे आपको बताएं, और एक आता है जो वंडर, एक MRF का वंडर आता है, वो पहले से इसमें वेन्यू में लगा हुआ था, जो कंपनी से आया था ना, वो MRF का वंडर टायर था, वो आपको दिखा रहे हैं। ये रहा देखो MRF वंडर स्ट्रीट, ये स्टॉक टायर है, मतलब स्टॉक कंपनी वाला, कंपनी जो लगा के दी थी ये MRF वंडर स्ट्रीट। और अभी हम लोग ये प्रिफिंजा, और हाँ इसमें एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, इसमें क्या अलग होता है, इन अलग होता है। देखो आपको ग्रिप दिख रहा हो ना, ये ग्रिप दोनों अलग दिख रहा है, एक साइड मतलब अलग ग्रिप है और इधर देखो छोटा ग्रिप है, तो ये आउटर है ना? नहीं इनर, हाँ ये आउटर हो गया, ये आउटर है और ये इनर, ये अंदर की ओर जाएगा और ये बाहर की ओर है, तो ये इसलिए दिया हुआ है। बताओ रेनी सीजन में पानी क्या होता है ना, कार का टायर के नीचे आ जाता है, तो जिसके कारण स्केट करता है, तो ऐसा डिज़ाइन किया गया। तो ये रेनी सीजन में क्या होता है कि गाड़ी चलती है तो फिर वो आउटर साइड बड़ा इसलिए दिया है क्योंकि इधर से पानी निकल जाता है, पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग कर देता है, जिसके कारण गाड़ी एक्सीडेंट होने चांस कम होता है। वो जो गाड़ी पानी में आता है तो गाड़ी डिसबैलेंस होता है ना, तो देखो इसमें क्या है, टायर का फीचर्स बता रहे टायर का, तो इस पर जो फीचर्स है देखो, लो नॉइज़, ये गाड़ी चलेगी हाईवे में तो उतना आवाज़ नहीं करेगा, और ये सॉफ्टनेस है, और राइड कंफर्ट, और देखो वेट एंड ड्राइव दोनों सीजन के लिए है, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी, और देखो यहाँ टायर का साइज़ है, तो देख लो कुछ नहीं बचा इस टायर में। पूरा टायर पैसा वसूल कर लिया, ये बस बेंट दिख रहा है, तो ये रहा टायर आ गया, एक महीना पुराना, उससे 22-24 है, 28-24। टायर लेने से पहले आप लोग ये चेक कर लेना यहाँ पे, सब अलग अलग है। ये रहा देखो 34 वीक, हाँ 34 वीक 2024। तो ये टायर लेने से पहले ये जरूर चेक करना आप लोग, और यहाँ पे जो 95V, इसका मतलब बता रहे हैं आपको, हाँ इसका 95V, ये जो है ना ये टॉप स्पीड इसमें जाएगा 240, और उसमें जो है, उसमें भी दिखा रहे कितना है, उसमें जो है 200 के आसपास उसका स्पीड जाएगा। ये रहा ये देखो 95H, इसका मतलब हुआ ये कि इसमें जो स्पीड है टॉप स्पीड वो 200 के आसपास चलेगा। सब टायर अलग अलग है देखो ना, लेकिन ये जो है सबसे आउट साइड इन साइड वाला टायर है, इसको हम अगर 22-24 34-24 लास्ट का जो दो डिजिट है, ये साल का हो गया, 22 सप्ताह का हो गया, तो 22 सप्ताह 2024 का है। और दूसरी बात इसमें जो है आर, आर का मतलब हो गया रेडियल, ये रेडियल है, उसमें है 95V, तो ये जो है आपका 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग चला सकते हैं। अगर अगला गाड़ी कोई 250 की स्पीड में जा रहा है तो हम लोग उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो देख लो भाई, टायर लगाने से पहले सब भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगला कोई जा रहा है तो इसी में एक्सीडेंट रोड में ज़्यादातर हो रहा है कि अगला जा रहा है 50 में तो हम ही छाप जाएं। तो टायर भी देख के हिसाब से चलना होगा, आपका टायर उतना कैपेसिटी नहीं है और आप उतना टॉप स्पीड चला रहे हो। तो ये देखो MRF का नया टायर है, स्टील क्या है, स्टील ब्रास ने क्या है, स्टील ब्रेस रेडियल, ये MRF का न्यू लॉन्च हुआ है, और ये टायर सेक्शन है 150/60R17 यहाँ पे। तो ये ड्यूक में जो आता है KTM में आप लगा सकते हो, MRF स्टील ब्रेस रेडियल 150/60ZR17 66W ट्यूबलेस, और इसका MRP प्रिंट है 7000। पैकिंग देखो इसका कितना बढ़िया है, एकदम मस्त पर पैकिंग किया हुआ है, और इसका देखो MRP प्रिंट दिखा रहा है 7985 रुपया। प्रिंट वाला देखो यहाँ पे भी बॉक्स में इसी तरह आता है, और ये 110/70ZR
17 देखो, उसका MRP पेंट है 6680 रुपया है। तो ये हमारे अब तक दो लॉन्च किया हुआ है टायर। तो फाइनली गाइज हम लोग का जो टायर है वो इंस्टॉल हो चुका है और टायर का हम लोग का प्राइस पड़ गया 30,000 चारों टायर का, और मतलब एक टायर 7,500 करके लगा। और मतलब क्या था कि टायर का भी जो अभी हम लोग पुराना रेट से ही लिए हैं, क्योंकि इससे अभी मतलब 2-3 दिन पहले शायद उसका टायर का दाम बढ़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलाइनमेंट करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट अभी नहीं खोला है वो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भोईपड़ के पास, वहीं पे अलाइनमेंट करवाएंगे गाड़ी का। और तो आपको बता दिए उधर हम लोग खर्चा हुआ 6,500 जो सर्विस में, पेट सर्विसिंग में, और ये जो है टायर का हम लोग को 30,000 पड़ गया। तो चलो ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।